आइए, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ यवनावस्था में जो लड़के आते हैं और उनका जो अपने माँ बाप के प्रति गुस्सा होता है उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को माँ बाप लेके आते हैं, बच्चा ठीक नहीं पढ़ाई कर रहा है, बच्चा ठीक समय पे घर पे आता नहीं है, उल्टे जवाब देता है, उनका इंसल्ट कर देता है, कभी कभी चोरी भी कर लेता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास में आते रहते हैं। बच्चों के साथ में जब हम इंटरव्यू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि बच्चों को, मतलब ये बच्चा जो लाया था, ये बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति बहुत गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। मतलब उसका इतना था कि वो माँ बाप के साथ में रहना भी नहीं चाहता था और माँ बाप उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के घर में रख रहे थे। बोलता मुझे नहीं, मैं बाहर जाके भीख मांगूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा नहीं। मतलब इस तरह का गुस्सा, इतना गुस्सा उसको अपने माँ बाप के बारे में। तो हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा। उसको पूछने के बाद में बताया कि हाँ, कभी कभी उसका विरोध किया, कभी बच्चा चिल्लाता है चीखता है तो उसका विरोध किया, कभी थप्पड़ भी मारी होंगी उसको। मगर उसका ये कहना था कि मुझे जो करना चाहिए था वो मुझे करने नहीं दिया, मुझे फ्री ज़िंदगी जीना था बचपन से। मुझे बहुत प्रेशराइज किया, मुझे बहुत 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 ज़्यादा मेरी चिंता किया, मुझे कहीं बाहर जाने नहीं दिया, मेरे को कहीं मिलने जुलने नहीं दिया और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल के मेरे को उन्होंने बड़ा किया। ऐसा उसको गुस्सा था और इसलिए मैं आज डरपोक बना हूँ। मैं कहीं बाहर जाता नहीं हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बचपन में उन्होंने ऐसा किया। जब मैं उसके साथ में बैठा काउंसिलिंग के लिए, दो तीन सेशन हुए, उसको मैंने काफ़ी समझा के बता रहा था मैं उसको। फिर देख बेटे, आप जितने डरे हुए हैं या आपको जितना गुस्सा है या आप जितने आशंकित हैं अपने माँ बाप के बारे में या आप असहाय महसूस करते हैं, जो भी आप आज है, जो बोलते हैं मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं अकेला अकेला रहना पसंद करता हूँ, मुझे डेयरिंग नहीं, जो भी आप आज है वो आप आज है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ उसके बारे में क्या कर सकते। ये देखो कि भाई, आपको माँ बाप ने उसी तरह बड़ा किया, उन्होंने उसी तरह परवरिश किया जितना उनको सिखाया था अपने माँ बाप ने, या उस तरह से उनके माँ बाप ने उनको बड़ा किया, पालन पोषण किया, परवरिश किया, मतलब उनके माँ बाप ने जो किया वो किया, तो वो उन्होंने पास ऑन किया। माता पिता को समझाने का है, मैं इसको बोला कि भाई आपको माता पिता को यदि समझने का है तो आप उनके साथ में बैठो, उनको पूछो कि आपका बचपन कैसा था। उनके वो जब 10 साल की आयु में थे, 10 साल की उम्र थी, वो 10 साल की उम्र में जाके उनको पूछो कि उन्होंने क्या किया, उस समय क्या कंडीशन थी, उनका परवरिश उनके माँ बाप ने कैसा किया, फिर आपको समझ में आ गया आ जाएगा कि वो जो जितना कर पाते हैं उतना उन्होंने किया है। उनके पास में जितनी भी बेस्ट एबिलिटी थी या उनके पास में जो भी एबिलिटी थी वो उन्हें बेस्ट दिया हुआ है, उन्होंने कुछ भी कमी छोड़ी नहीं, वो जितना अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसा हो ही सकता नहीं कि अपने माँ बाप अपने से कुछ रोक के रखेंगे और अपने को देंगे नहीं, पूरा ऐसा हो ही सकता नहीं। उनको जो भी आता था उन्होंने किया, उनको जो भी परवरिश उनके माँ बाप ने किया उन्होंने किया, उनके ऊपर जो 10 साल की उम्र में थे जब संस्कार हुए, वो जो संस्कार में वो बड़े हुए, उनकी परवरिश हुई, वो उनके दिमाग में बैठा है, वहाँ से उसको, मतलब आपको वो ये अभी बड़ा कर रहे हैं। तो जो भी हो गया तो उनके ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। माँ बाप का एक ही काम था कि आपको पैदा करना और ये दुनिया में लाना, बाकी माँ बाप को अभी आप, मैंने बोला कि भाई आप माँ बाप का एहसान मानो कि उन्होंने आपको बाहर कहीं रास्ते में छोड़ नहीं दिया, आपको घर में लाया, पैदा करके हॉस्पिटल से घर में लाया, आपको बड़ा किया, परवरिश किया, मगर उन्होंने जो भी किया उन्होंने उनका बेस्ट दिया हुआ है और उसके लिए उनको एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी है। हाँ, आपके मन जैसा नहीं हुआ, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, मगर उनको मालूम ही नहीं था कि आपको ये चाहिए, उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह परवरिश करना है, उनको जितना मालूम था उन्होंने उतनी परवरिश किया, जैसी परवरिश करना था वैसे किया, उनकी जैसी परवरिश हुई थी बचपन में वैसा उन्होंने किया, उन्होंने उनका बेच दिया। आज अपने माँ बाप से जो भी आपका गुस्सा होगा वो कंप्लीट करो, वो पूर्ण करो, कहीं खुन्नस होंगे वो पूर्ण करो, उन्होंने जो भी किया वो किया, जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने वो किया और उन्होंने संपूर्ण किया, और उनसे जाके जवाबदारी लो, माफ़ी मांगो कि उन्होंने ये पकड़ के रखा हुआ था इतने दिन तक, मतलब बच्चे ने, या मतलब उसको जो मैंने बोला कि भाई आपने ये पकड़ के रखा था इतने साल तक, माँ बाप की माफ़ी मांगो और उनको बोलो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। सोर्स माँ बाप जो है ना वो सोर्स है, और उनके यदि प्रति गुस्सा रखते हैं तो फिर ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए जब उसको मैंने ऐसा काउंसिलिंग किया बच्चे को,
तो बच्चा बोले ठीक है, मुझे भी समझ में आ रहा कि जो भी उन्होंने किया वो किया, उन्होंने करना नहीं चाहिए था, इसको वो अच्छा नहीं लगा, तभी भी वो जो किया उन्होंने बेस किया, चलो ठीक है आज से मैं उनके साथ में कंप्लीट होता हूँ, एक होता हूँ। उनके साथ में उसने संवाद किया, कम्युनिकेशन करने के बाद में उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि ठीक है भाई हमने नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ किया हुआ है। माँ बाप से वो मिलने के बाद में, उनके साथ में एक होने के बाद में उसको बहुत ही ठीक लगा, उसका गुस्सा निकल गया और माँ बाप को भी मालूम पड़ा कि धीरे धीरे अभी बच्चा अच्छा हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे मिले हो बताया कि बच्चा बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ अच्छा है और वो ज़िंदगी में डेफिनेटली सफल होगा ऐसा हमको लगता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।